दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो में मैं आपके सामने आ गया हूं। आज बातचीत करने वाले हैं दिन भर की निकली टॉप अपडेट्स से, साथ ही साथ केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, वो डिसाइड आप करना अच्छी है खबर या बुरी है खबर। डिटेल में सारी अपडेट्स की बातचीत करेंगे। अगर आप भी हो केकेआर के सच्चे वाले फैन तो अभी कर दो वीडियो को जल्दी से लाइक, और अगर आप चाहते हो कि फेज टू के अंदर केकेआर धमाधम जीते सारे मुकाबले तो अभी कर देना वीडियो को शेयर। रोज की तरह आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टॉप अपडेट्स बताऊंगा तो क्या फायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स खेलते केकेआर को होगा, तो वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना आप लोग। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करें तो यहाँ फेज टू के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस और काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और किस्मत की तो जरूरत बहुत ज्यादा ही है क्योंकि पॉइंट टेबल पर ये काफी नीचे है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना क्या यहाँ केकेआर को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे उनको प्रॉफिट होगा। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर के यूएई जाने को लेकर। दोस्तों पहले अपडेट्स थी कि केकेआर 15 अगस्त के बाद जाएगा और वो तीसरी टीम बनेगा, बट अब आपको बता दें दोस्तों तीसरी टीम तो वो बन ही जाएगा, बट आप सभी को बता दें जब केकेआर जाने वाला है तब तक शायद बहुत देर हो चुके हो जाए। यहाँ 25 अगस्त की एक्सपेक्टेड डेट आ रही थी दोस्तों, अब ये वापस डिले हो चुकी है और अब ये डेट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 अगस्त की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों 27 अगस्त के बाद या फिर 27 अगस्त को ही जाने वाला है केकेआर, उससे पहले अभी तक तो नहीं जाने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जितना लेट केकेआर यहाँ जाएगा उतना ही ज़्यादा लॉस इनको होगा। चेन्नई और मुंबई पहले ही पहुंच चुकी है और वो कल से अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, या दोस्तों आज से ही कैंप लगाकर प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। और जो टीमें हैं जो नीचे टीमें हैं वो अभी तक उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, खासकर केकेआर का बहुत ज़्यादा गिवअप ये कर चुकी है ऐसा लग रहा है। खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि केकेआर का क्या सही डिसीजन है, लेट यूएई जाना या फिर जल्दी चल इनको चले जाना चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से। दोस्तों केकेआर मैनेजमेंट अभी भी सो रहा है, बहुत ही पुअर डिसीजन केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि यहाँ केकेआर मैनेजमेंट की इतनी सारी गलतियों के बावजूद एक और गलती उसके अंदर ऐड हो गई है कि ये इतना लेट यूएई जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ केकेआर की टीम को ये साफ देखना चाहिए कि चेन्नई और मुंबई जो हमेशा टॉप पर रहती है एक काबिल टीम है, एक बहुत ही बढ़िया टीम है, फॉर्म के अंदर टीम रहती है, ये हमेशा हर जगह पर कभी भी मौके को नहीं छोड़ती है। केकेआर जिनको वहाँ जाकर सिचुएशन देखनी चाहिए, पिचेस कैसी है, ग्राउंड कैसे है, कंडीशंस कैसी है, जल्दी जाकर वहाँ देखना चाहिए, बट इसके बावजूद भी केकेआर काफ़ी लेट जाने वाला है। तीसरी अपडेट आ रही है पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट को लेकर। दोस्तों यहाँ क्लियर हो चुका है, केकेआर मैनेजमेंट के एक सीनियर मेंबर ने ही क्लियर कर दिया है कि जी हाँ पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट देखी जा रही है, केवल लॉकी फर्गसन ही उनकी रिप्लेसमेंट नहीं बनने वाले हैं। हालांकि लॉकी फर्गसन पर उन्होंने एक अपडेट दिया है कि वो यहाँ पर पैट कमिंस की पहली रिप्लेसमेंट के तौर पर चॉइस होने वाले हैं, यानी प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके ऊपर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। लॉकी फर्गसन एक चॉइस है, इसके अलावा पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट भी टीम ढूंढ रही है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दोस्तों देखते हैं कौन सी रिप्लेसमेंट पैट कमिंस के तौर पर ढूंढती है। आप नीचे जरूर कमेंट करिए बताना आपके अकॉर्डिंग पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट कौन सा प्लेयर बनना चाहिए। तो दोस्तों ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।